मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार येस बैंक के फाउंडर राणा कपूर 11 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कस्टडी में हैं। ईडी ने रविवार को हॉलिडे कोर्ट में अपने रिमांड एप्लीकेशन में मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी कहानी को बताया कि किस तरह राणा कपूर ने अपने परिवार के नियंत्रण वाली कंपनियों के जरिए 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत ली, किस तरह येस बैंक की पब्लिक मनी की राणा परिवार और DHFL के वधावन ब्रदर्स के बीच बटर बांट की गई। इसके अलावा ईडी ने राणा की सेक्रेटरी के जरिए करोड़ों के रिश्वत लेने की पूरी कहानी बयान की है। ईडी ने बताया है कि कैसे राणा की सेक्रेटरी लता दवे ने DHFL के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके 600 करोड़ रुपए का लोन लिया, जिसे रिश्वत माना जा रहा है। ये लोन DOIT अर्बन वेंचर्स नाम की फर्म के लिए लिया गया, जिसकी कर्ताधर्ता येस बैंक के फाउंडर की तीनों बेटियां हैं। ईडी के मुताबिक ये रिश्वत येस बैंक द्वारा DHFL ग्रुप की कंपनियों के लिए मंजूर किए गए लोन और 4,450 करोड़ रुपए के डिबेंचर इन्वेस्टमेंट्स के बदले में चुकाई गई थी। ईडी सूत्रों का आरोप है कि राणा कपूर ने कई अन्य मामलों में भी अपने पद का दुरुपयोग किया है और अपने व अपने परिवार के नियंत्रण वाले कंपनियों के लिए 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत ली। CBI ने जब राणा कपूर और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया तो ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी उनके खिलाफ अपनी जांच तेज कर दी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि 600 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी देने के बाद येस बैंक ने अप्रैल 2018 से जून 2018 के बीच DHFL में 3,700 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसके बाद येस बैंक ने DHFL ग्रुप की एक अन्य कंपनी को 750 करोड़ रुपए का दूसरा लोन दिया।